हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वंडे मैथ्स धनरथ पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। इसके तीन पार्ट हैं, तो एक एक करके पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि देखते हैं कि इसका जो जी एक्स है पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। और जो ये आपकी थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम, ये क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम में यही होता है कि आप से जो पूछा गया है कि दो पॉलिनोमियल है, अगर पूछा गया एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो जिस पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है उसका क्या निकाल लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। और जिस पॉलिनोमियल का के लिए पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसका मान अगर जीरो के बराबर आ जाता है तब तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मान लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू मान लेंगे 2x³ + x² -2x - 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और यहाँ पे जी एक्स कितना दे रखा है, x+1 दे रखा है। तो इसको एक बार हम करेंगे जीरो के बराबर करेंगे, क्योंकि इसका जीरोस निकालना है। आपको मैंने बताया हुआ है अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं तो उसको इक्वल टू जीरो के बराबर करते हैं, तो x बराबर क्या कर देंगे ये -1 हो जाएगा। इसका जीरोस कितना निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आएगा। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, देन हम अगर इसमें वैल्यू पुट करें पी -1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। पी -1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, अगला स्टेप जो होगा पुट एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये पी -1 इक्वल टू 2 × -1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 -1। तो आपको पता है -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। सिंपली जहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, +1 आएगा। और यहाँ पे जब -1 को हमने किया, ये आ गया 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और ये क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा, और ये -1। तो आप देखेंगे +2 - 2 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं जी एक्स जो होगा उसका पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी यही आपकी जो होती है फैक्टर थ्योरम होती है। हम जो भी चीज दे रखी होती है वहां से उसकी जीरो निकाल लेते हैं और वो वैल्यू फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में रख देते हैं, अगर जीरो आ जाता है तब तो फैक्टर होगा। तो आप लिख सकते हैं इसके बाद में जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसके बाद में हम सेकेंड पार्ट करेंगे, आशा करते हैं चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, इसको भी मान लेंगे लेट करके पी एक्स स्क्वायर टू x³ + 3x² + 3x + 1। और जी एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे, x+2 दे रखा है। इसको एक बार जीरो करेंगे जी एक्स को, जीरो निकालेंगे x+2, या x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अभी x बराबर -2 आ गया, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे px में, यहाँ पे लिखेंगे if gx is a factor of px then p -2 किसके बराबर आना चाहिए, should be equal to 0 होना चाहिए।
तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, माइनस टू करेंगे। अब इसमें पुट करते हैं तो पी माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस वन। आपको पता है माइनस टू को क्यूब होता है माइनस एट प्लस थ्री, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व, और ये थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस सिक्स आएगा ये प्लस माइनस के मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, और ये फिर प्लस वन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस एट माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन, प्लस का ट्वेल्व प्लस का वन कितना जाएगा थर्टीन, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस वन, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर जी एक्स अगर पी एक्स का फैक्टर होता तो हमने जो वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे पी माइनस टू के आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, थर्ड पार्ट इसको हम लेट करके मानेंगे, लेट पी एक्स स्क्वायर टू कितना जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स कितना है यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, तो इसको एक बार जीरो करेंगे, जीरो निकालने के लिए एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री बराबर कितना माइनस थ्री इधर आएगा प्लस थ्री हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया थ्री आ गया। आप इसके बाद में हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मान रखेंगे, देखते हैं आता कि नहीं जीरो, पुट एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन, होमवर्क मान लेंगे, फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो याद आएगा पी टू इक्वल टू टू का होल क्यूब माइनस फोर मल्टीप्लाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स, टू का होल क्यूब करेंगे एट आएगा, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन आएगा प्लस टू प्लस सिक्स। तो आप देखेंगे एट माइनस प्लस का एट ये टू या सिक्स है, तो कितना आ जाएगा प्लस का सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं इसका फैक्टर होगा हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आशा करते हैं तीनों पार्ट आपको समझ में आएंगे आए होंगे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और समान जो भी नए लोग इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।